Hello student, good evening, welcome back. So our question is, there are some children in a camp and their average weight is 40 kg. 5 children with average weight 36 kg join the camp, or 5 children with average weight 43.2 kg leave the camp. The average weight of the children in both cases is equal. How many children are there in the camp initially? ठीक है, देखो इसमें अगर हम देखें तो देर आर सम चिल्ड्रन, कितना चिल्ड्रन है पता नहीं है हम लोग को, चिल्ड्रन हम लोग को पता नहीं तो उसको हम लोग एक्स मान सकते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन हम लोग को पता नहीं उसको एक्स मान सकते हैं. अब देखो इसको अगर हम फुल प्रोसेस से जाएं तो काफ़ी लंबा लग जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे डेविएशन मेथड से. ठीक है, उससे पहले कुछ कंसेप्ट बता देते हैं हम. जैसे यहाँ हम लोग का एवरेज वेट दिया गया 40 kg. ठीक है, अब एवरेज वेट किस किस केस में घटेगा ये पहले हम बता देते हैं. एवरेज वेट तब घटता है जब यहाँ एवरेज वेट से ज़्यादा वेट वाला आदमी इसको छोड़ के जाए. ठीक है, फिर से सुनना, एवरेज वेट से ज़्यादा वेट वाला आदमी अगर इसको छोड़ के जाए तो एवरेज वेट क्या होता है हम लोग का, घटता है. या फिर कम वेट वाला आदमी ज्वाइन करें. ठीक है, फिर से सुनना, कम वेट वाला आदमी ज्वाइन करे तो भी एवरेज वेट क्या होता है, घटता है. ठीक है, तो बढ़ता किस में केस में, तो एवरेज वेट बढ़ने के लिए क्या होगा, ज़्यादा वेट वाला आदमी ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, और कम वेट वाला आदमी छोड़ना चाहिए उल्टा. ठीक है, तो चलो आते हैं. तो जैसे पहले अगर हम एवरेज वेट देखें तो 40 था. तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया है, फर्स्ट केस में बोलता है 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 36 के दी. देखो कम वेट वाला आदमी क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो कम वेट कितना, कम वेट है 4 केजी कम वेट है. अब हम देखो अभी बताएं कि एवरेज वेट घटता है अगर कम वेट वाला आता है. ठीक है, तो एवरेज वेट घटेगा तो माइनस का साइन लिए, 40 एवरेज था, माइनस होगा, कितना माइनस होगा, तो देखो 4 केजी सबका कम है, 4 केजी कम है. और ऐसा 4 केजी कम वाला कितना बच्चा है, 5 बच्चा है. कितना बच्चा है, 5 बच्चा. तो 5 बच्चा हम लोग का हो गया, तो 4 × 5 = 20 घटेगा. लेकिन ये देखो ये जो 20 है ये सब में घटेगा ना, और सब कितने लोग, पहले x लोग था, अब 5 लोग और आ गया तो x प्लस 5 हो गया. ठीक है, तो ये एवरेज वेट घट के इतना हो गया. ठीक है, और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो 40 फिर से लेते हैं एवरेज वेट. सेकेंड केस में क्या बोलते हैं, बोलता है 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट इतना लीव द कैंप. अब देखो छोड़ने पर भी एवरेज वेट घटता है. ठीक है, तो छोड़ने पर भी घटेगा. ठीक है, तो माइनस होगा. ठीक है, कितना माइनस होगा, तो देखो अब जो कितना घट रहा है, एक सेकेंड, हाँ इसमें देखो जो बच्चा जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं वो लोग का कितना वेट एक्स्ट्रा था, तो 3.2 एक्स्ट्रा था. कितना था, 3.2 केजी एक्स्ट्रा था. अब 3.2 एक्स्ट्रा वाला कितना बच्चा छोड़ के जा रहा है, 5 बच्चा ऐसा जो छोड़ के जा रहा है. ठीक है, अब ये कितने में बटेगा, अब देखो पहले बच्चा था एक्स. ठीक है, अब देखो एक्स प्लस 5 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 बच्चा छोड़ा है तो बच्चा तो संख्या कम हो गया ना, तो एक्स प्लस 5 में क्या हो जाएगा, माइनस 5. देखो इसमें प्लस 5 क्यों किए थे, इसमें क्योंकि 5 बच्चा हम लोग का आया था कम वेट वाला, इसमें क्या हुआ, ज़्यादा वेट वाला जा रहा है. और दोनों केस में क्या होता है, एवरेज वेट घटता है. और जो एवरेज वेट घट के आएगा, ये दोनों क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों हैं हम लोग का आपस में इक्वल, तो इसको बीच में क्या करते हैं, इक्वल. अब कुछ नहीं करना है, 40 से 40 कैंसिल, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 4 से हम लोग का 32 कटेगा. अच्छा चलो काट ही देते हैं, 4 से कितने बार में कट जाएगा, या फिर छोड़ दो इसको, 32 को रहने दो, भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 × 5 = 20, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2x और 5 × 32 क्या हो गया, 160. तो मतलब क्या हो जाएगा, 16 आ गया ये. ठीक है, अब ये 3.2 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 4 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8x, और 20 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 36. ठीक है, 0.8 मतलब क्या होता है, 8/10. तो x का वैल्यू देखते हैं क्या निकलता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 × 10/8. तो 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, और 2 × 5 = 10, तो 9 × 5 = कितना आ गया, 45. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले x क्या था, x था हम लोग का नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले जितना था, तो पहले कितने बच्चा था, 45. तो वही पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द कैंप इनिशियली. तो 45 ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ऑप्शन ए हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को एक बार हम रिपीट करते हैं फिर से. देखो क्वेश्चन में बोला गया था 40 एवरेज हम लोग का, बच्चों लोग का. अब हम बताए थे कि 5 चिल्ड्रन क्या है, एवरेज वेट 36 केजी क्या करता है, ज्वाइन करता है. अब देखो कम वेट वाला आदमी ज्वाइन करेगा तो एवरेज वेट सिंपल सा घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, तो देखो 5 बच्चा है और वो 4 केजी घट रहा है, 5 होगा, तो 5 × 5 = 4 क्या हो गया, 20. लेकिन ये 20 जो घट रहा है पूरा एक बार में, तो एवरेज सबका सब में तो नहीं घट जाएगा, क्या होता है, सब में डिवाइड होगा ये. ठीक है, तो ये जो 20 आया ये कितने बच्चे में डिवाइड होगा, तो देखो x बच्चा तो पहले से था, अब 5 बच्चा और आ गया तो x प्लस 5 हो गया. ठीक है, इसलिए इतना हम लोग का जो घटेगा ये माइनस कर दिए 40 से. सेम केस इधर आए हम, तो एवरेज वेट कितना था हम लोग का, 40, और ये 3.2 हम लोग का क्या है,
नया जो बच्चा लोग आया, पांच बच्चा, हर का वेट है 3.2 ज़्यादा है, ठीक है, 3.2 ज़्यादा है, आया नहीं, सॉरी जा रही है, 3.2 ज़्यादा वाला जा रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए, कितने बच्चों का, 5 बच्चों का। अब ये जो बच्चा है, टोटल बच्चा बच कितना गया, x माइनस 5, क्योंकि पहले x था, 5 छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसको आगे जाकर के सॉल्व किए तो हम लोग का x का वैल्यू आया जो कि रिक्वायर्ड आंसर था। तो कुछ नहीं, बस यहाँ समझना है कि, तो बस मेन कंसेप्ट इसमें क्या था, मेन कंसेप्ट बस ये समझना है कि ज़्यादा वेट वाला बच्चा जाएगा अगर हम लोग का एवरेज वेट से, तो भी एवरेज वेट डाउन होगा, या फिर कम वेट वाला ज्वाइन करेगा तो भी एवरेज वेट डाउन होगा, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट पे हम लोग डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। डेविएशन मेथड से हम लोग ये बनाए, ये काफ़ी फास्ट बना इस तरह से, और अगर इसको फुल प्रोसेस में जाते हैं तो काफ़ी लंबा लगता है, ठीक। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। अभी किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।